इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, सेंटर ऑफ मास, एंगुलर मोमेंटम एंड कोलिजन। करें एक स्मॉल ब्लॉक है ऑफ सुपर डेंस मटेरियल है, ये मास ऑफ 3×10^24 किलोग्राम, जिसका मास 3×10^24 किलोग्राम है। इट इज सिचुएटेड एट ए हाइट h फ्रॉम वेयर इट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस। इसे पृथ्वी के सतह से पृथ्वी का मास दिया गया है 6×10^24 kg लास्ट में। इसकी सतह से h हाइट और ये पृथ्वी की त्रिज्या r है, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि h बहुत छोटा है r से, h मच स्मॉलर देन द अर्थ रेडियस। दिखाई दे रहा थोड़ा h बड़ा है, लेकिन मेन पोर्शन यहाँ सॉल्व करना है ना, पृथ्वी के साइज से हमें कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए मेन पोर्शन यहाँ सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा अच्छा से दिखाएं, इससे कोई ज़्यादा मतलब है ही नहीं, तो बस दिखा दे पृथ्वी है। लेकिन समझना कि r से जो h है ना बहुत छोटा है, h इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। फ्रॉम वेयर इट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस, यहां से इसको छोड़ा गया, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस हैज रिड्यूसेस टू h बाई 2। जब हाइट घट करके h बाई 2 हो जाएगा तब इसका स्पीड क्या होगा, अभी तो h हाइट पर है, अभी h हाइट पर है, जब हाइट घट के h बाई 2 हो जाएगा देखते हैं। अब बताना इसका वेलोसिटी क्या है, जब ये हाइट हो गया है बीच में गैप h बाई 2, इस समय बताना वेलोसिटी क्या, जब h घट करके h बाई 2 हो गए। सवाल यही कि एक छोटा सा पार्टिकल 3×10^24 ग्राम का है, वो छोटा सा पार्टिकल सुपर डेंस मटेरियल जो पृथ्वी के सतह पर गिरने के तैयार, ऊपर से h हाइट पर से, जबकि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या का बहुत कम है, तो बताओ कि जब वो पार्टिकल h बाई 2 हाइट पर आएगा तब उसका वेलोसिटी का मान क्या होगा। कितना सिंपल सवाल हम लोग बनाते थे कि जब कोई पार्टिकल h हाइट से छोड़ा जाएगा तो गिरने के बाद वेलोसिटी पकड़ लेगा √2gh, कितना आसानी से बन जाता, क्योंकि जब किसी पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा जाए तो h हाइट से ऊपर छोड़ा जाएगा तो उतना गिरने में वेलोसिटी कितना रहता था √2gh, कितना आसानी से बनता था। लेकिन ये वाला सवाल वैसे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल ऊपर से गिराया जा रहा है उसका भी मास पृथ्वी के मास के कंपेरिजन में है, पृथ्वी के मास का आधा ही तो है। पहले हम लोग कहते थे कि किसी पार्टिकल को उससे पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन जो है 3×10^24 किलोग्राम मास पृथ्वी के मास के कंपेरिजन में इसका आधा में है। तो आप ऐसे सोचिए कि ये जब वस्तु नीचे आता होगा तो पृथ्वी कहाँ जाएगी, ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स तो काम नहीं कर रहा है, जब ये आगे चलेगा तो ये इधर चलेगा। ऐसे सोचो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर ये पृथ्वी इसको खींच रही है नीचे तो ये खींच रहा होगा उसको ऊपर, और इसका आधा ही वजन है ना भाई, कम फोर्स थोड़ा लगाएगा, मैंने फोर्स कम नहीं लगाएगा, फोर्स तो बराबर लगाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी दो वस्तु एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, तो जितना ई वाला बॉडी इस पर बल लगाएगा उतना ई वाला बॉडी से भी बल लगाएगा, तब दोनों दूसरे की तरफ आ रहा होगा, ऐसा नहीं खाली वस्तु आ रहा है पृथ्वी भी आ रही। जब हम किसी इस वस्तु को भी हम अगर मान ले जाए कि 1 किलो की वस्तु को हम छोड़ें, बोले पृथ्वी कितना बल से खींची इसको, बोले 10 न्यूटन से, बोले ई वस्तु पृथ्वी को कितना बल से खींचा, बोले 10 न्यूटन। लेकिन पृथ्वी के ऊपर आने का आभास नहीं होता, क्योंकि 10 न्यूटन बल में क्या होने वाला है पृथ्वी का, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए और है कि अगर कोई वस्तु 1 किलोग्राम का है आप उसको छोड़ रहे हैं तो पृथ्वी खींच रही है ना 10 न्यूटन से, 9.8 kg 10 मानो तो 10 न्यूटन से खींच रही है, तो आप कह सकते हैं कि वस्तु पृथ्वी खींच रही है 10 से,
तो अगर ई खींच रहा है इसको एफ फोर्स से, तो ये भी खींच रहा है इसको एफ फोर्स से। अब जो चूंकि दोनों पर बल तो समान लगेगा, लेकिन मास तो इसका कम है इसका ज्यादा, तो इसको तुरंत ज्यादा मिलेगा। उतना ही बल इस पर लगा और उतना ही बल इस पर लगेंगे, इसको तुरंत ज्यादा मिलेगा, इसको तुरंत कम। जब इसको तुरंत ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा वेलोसिटी पकड़ेगा और कम वेलोसिटी पकड़ेगा। चूंकि इससे इसका मास दुगना है तो इसको तुरंत मिलेगा इसका दुगना। अब मास इसका कम है तो तुरंत इसको ना ज्यादा मिलेगा, तो इसको तुरंत ज्यादा मिलेगा तो इसका वेलोसिटी भी ज्यादा बढ़ेगा इसकी तुलना में। मान लिया इधर ले वेलोसिटी भी, तो इधर लेगा टू भी। मान लिया कि वेलोसिटी कितना धर लिया भी, तो कितना धर लेगा वेलोसिटी टू भी, जो स्वाभाविक है। कन्वेंशनल मोमेंटम में तो ला के देख लीजिए आप, मास ऑफ अर्थ वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो आप लिख सकते हैं कि मास ऑफ बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बराबर मास ऑफ अर्थ वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अर्थ बराबर मास ऑफ बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बटे मास ऑफ अर्थ। आई एम बी का मान 3×10^24 अगर मान 6×10^24 क्या मतलब ये भी बटे दो। क्लियर है? ये भी बटा दो, मतलब कि अर्थ का स्पीड इसके स्पीड का आधा हो, अर्थ का स्पीड इस माने बॉडी के स्पीड का आधा होगा। चलिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि बाहर से कोई काम हो नहीं रहा है, सिस्टम को खुद मैंने छोड़ा गया होगा, खुद अट्रैक्ट होना शुरू हो गया होगा और इस सिचुएशन में पहुंचा होगा, बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल। इससे पहले का कुल एनर्जी और बाद का कुल एनर्जी का मान बराबर होना चाहिए। इसमें भी वेलोसिटी नहीं है, इसमें वेलोसिटी नहीं है, तो बोले इसमें कौन एनर्जी है, बोले पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू बटे आर, या प्लैंक ग्रेविटेशन में कि दो बॉडी के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू बटे आर। जो एमजीएच पढ़ते हैं, एमजीएच पढ़ते पोटेंशियल एनर्जी, इसे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से बात होगा। अभी आप इतना ही समझिए कि कोई भी दो ब्लॉक का बीच का दूरी अगर आर है, उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू बटे आर। तो इसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी है और आर कहाँ से गिनती होगा, दूरी कहाँ से, सेंटर से काउंट होगा, बराबर माइनस जी एम वन एम टू बटे आर प्लस एच वाई टू। अभी दूरी है आर प्लस एच वाई टू, इतना पोटेंशियल एनर्जी है। साथ ही साथ अभी काइनेटिक एनर्जी भी है, हाफ मास ऑफ अर्थ वेलोसिटी ऑफ अर्थ का स्क्वायर और हाफ मास ऑफ बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी का स्क्वायर। शुरू में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा और थोड़ा थोड़ा काइनेटिक एनर्जी भी दोनों, तो शुरू एनर्जी और बाद में एनर्जी बराबर हो। यहाँ से अगर इसको इधर ले आए तो जी एम एम कॉमन, जी एम एम अब बट्टा इसको लिख लो पहले, नहीं तो आर प्लस एच बाई टू माइनस जी एम एम अब बट्टा आर प्लस एच बराबर हाफ एम ई भी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी भी स्क्वायर। ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी में आ रहा है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसी को सॉल्व करेंगे और हमको क्या निकालना है, भी भी हमें निकालना है भी बी, भी बी तो, और जहां जहां भी है वहां वहां मान रखना पड़ेगा भी बी बाई टू, जहां भी है वहां रखना पड़ेगा हमको भी बी बाई टू। पहले रख लेते हैं, पहले उधर कोई लिखते हैं कि हाफ
मास ऑफ अर्थ भी का स्क्वायर मतलब बीबी का स्क्वायर बटे चार प्लस हाफ मास ऑफ बॉडी और बीबी का स्क्वायर बराबर यहाँ एलसीएम टू तो टू चला जाएगा ऊपर नीचे बचेगा टू आर प्लस एच और माइनस जी एम एम बटा आर प्लस एच अब यहां से भीवी का मान हमको चाहिए तो भीवी स्क्वायर कॉमन तीन बटा चार गुने दस के पावर चौबीस और तीन बटा दो तो तीन बटे चार और तीन बटा दो को जोड़ ही लो और दस के पावर चौबीस तीन बटे चार और तीन बटा दो तीन बटे चार और तीन बटा दो जोड़ लिए आई वाला कॉमन आई भी कॉमन बराबर यहां से आइए तो कैसे सॉल्व करें हमें चाहिए भीवी और मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी तो दिया हुआ है ये तो ऐसे करें जी एम ई कॉमन ले लेते जी एम ई तो बचेगा टू एम बी बटा टू आर प्लस एच माइनस एम बी बटा आर प्लस कॉमन क्यों लिए नहीं पता चलेगा स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है जी एम बटा आर स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते हैं एसेंट ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी उसका मेन फॉर्मूला ये है जी एम बटे आर स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण ने प्रूफ होगा ही जी एम बटे आर स्क्वायर तो सोचते कि जी एम को कॉमन ले लेते हैं बटा आर स्क्वायर वाला जोगाड़ अगर कर देंगे बटा आर स्क्वायर नीचे में तो छोटा वाला जी तो बन जाएगा तो हो गया वीवी स्क्वायर और चार तीन आई छ अब उन्हें 10 के पावर 24 बराबर जी एम ई अब बटा यहाँ कर देते हैं आर स्क्वायर तो एक आर स्क्वायर यहाँ भी करना पड़ेगा तो 2 एम बी आर स्क्वायर बटा 2 आर प्लस एच माइनस एम बी आर स्क्वायर बटा आर प्लस अभी बन गया छोटा वाला जी इसमें छोटा वाला जी लिख देते हैं तो भी बी स्क्वायर गुने नौ बटे चार अब गुने दस के पावर चौबीस बराबर छोटा वाला जी ये हो गया आई एम बी कॉमन ले लेते एम बी खाली एम बी कॉमन लिए एम बी यहां बचेगा टू आर स्क्वायर बटा टू आर प्लस एच माइनस आर स्क्वायर बटा आर प्लस आई कट जाएगा अतिया नौ तो हो जाएगा ये भी स्क्वायर भी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जी बाई थ्री 4G by 3 4G by 3 यहां आइए तो फोर जी बाई थ्री आगे हो गया 2R स्क्वायर बटे 2R प्लस H
माइनस आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच। हमें भी का ही मान तो चाहिए। मैं यहां सॉल्व करने का बारी है। फोर जी वाई थ्री एलसीएम अगर ले ले हम तो कोई उपाय है आई एलसीएम में आर स्क्वायर से ऊपर नीचे भागा दे दें तो टू बटा आर प्लस एच बटा आर स्क्वायर से भागा दे रहे हैं ऊपर में भी और नीचे भी। यहां भी अगर आर स्क्वायर से भागा दें एच बट्टा आर स्क्वायर एच तो बहुत छोटा है एच तो बाहर आई भी नहीं करेगा इसे h बटा 2r स्क्वायर प्लस एच आर प्लस 2rh प्लस एच स्क्वायर 2r³ से 2r³ कैंसिल 4gy³ और h कॉमन तो 2r स्क्वायर में r स्क्वायर जाएगा तो r स्क्वायर बटा 2r² प्लस 3hr प्लस एच स्क्वायर। तो इसे आ रहा है भी स्क्वायर बड़ा भी स्क्वायर बराबर अब आर स्क्वायर से भागा देते हैं सब में तो 2 3h/r h²/r क्योंकि h बहुत छोटा है r से तो ये वाला भी कहानी खत्म और ये वाला भी कहानी खत्म तो सिर्फ बचेगा 1/2 स्क्वायर बराबर 2gh/3 तो भी बराबर 2gh/3 ये तो आंसर था 2gh/3। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा था कैलकुलेशन में कि किस तरफ चलें तो हम लोग आंसर तक पहुंचे। बाकी ऐसे ही सवाल ही समझिए कि एक तरह से ग्रेविटेशन चैप्टर का ही है ताकि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पता नहीं चला आपको माइनस जी एम वन एम टू बट आर जो लगाए तो जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेगा तो फॉर्मूला उस समय के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर।
जब प्रोडक्शन इंजीनियर कहानी पता होगा क्लियर माइनस जी M1 M2 बटे R तो लगे कि बहुत आसान तरीका हुआ। और ऐसा बहुत सारा सवाल हम लोग बनाएंगे जब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो चलिए अगला सवाल में आते हैं 63 में। करे बॉडी ऑफ मास एम मैक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट। एक बॉडी जिसका मास एम है, मैक्स एन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट, ठीक। सो दैट द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन। अच्छा, कोलिजन हेड ऑन नहीं है, इसका मतलब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट अलग अलग है। दोनों मास के हैं लेकिन जिस लाइन पर टकरा रहे हैं लाइन ऑफ मोशन जिस लाइन पर, उस पर लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं होगा, टक्कर कुछ अलग ढंग से होगा और टक्कर के बाद दोनों इधर उधर भागना शुरू करेंगे, एक लाइन पर नहीं चलेंगे। आप लोग पढ़े थे हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, तो साफ साफ ऑब्लिक नहीं लिखे लिखा है कि नॉट हेड ऑन, मैंने हेड ऑन नहीं है मैंने ऑब्लिक है। द बॉडीज गो एट राइट एंगल टू ईच अदर सो दैट, अगर कोलिजन हेड ऑन है मैंने हेड ऑन नहीं है तो बॉडी गो एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। और इसका मतलब टक्कर के बाद ये दोनों दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाकर भागेंगे, मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है कि अगर दो समान मास का बॉडी जिसका कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, तब टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाकर भागेंगे, लेकिन इलास्टिक कोलिजन है साथ साथ ऑब्लिक है, हेड ऑन नहीं ऑब्लिक है। आज बात हमको दिखाना है, ऐसा कोई आंसर नहीं है, ये हमको शो करना है कि कोलिजन अगर हेड ऑन नहीं है, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, मास अगर दोनों सेम है, बॉडी अगर रेस्ट में है, तो बताओ कि दोनों दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाकर चलेंगे। पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। मान लो कि चल रहा था भी वेलोसिटी से u1 u2, टक्कर के बाद v1 और v2, तो टक्कर के पहले mu1 प्लस 0 एक्स डायरेक्शन में, mu1 आई तो रेस्ट में था 0 बराबर, टक्कर के बाद एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम mv1 cos अल्फा mv2 cos बीटा, इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट टक्कर के बाद, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट टक्कर के पहले mm u1 बराबर v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। अब लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन बाई डायरेक्शन, तो बाई डायरेक्शन में इसके पास तो कोई वेलोसिटी है ये नहीं है, लेकिन वहां है mv1 sin अल्फा माइनस mv2 sin बीटा, इसका mv1 sin अल्फा, इसका mv2 sin बीटा, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे और m से m कैंसिल, तो v1 sin अल्फा बराबर v2 sin बीटा। और चूंकि कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है इसका मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो हाफ m1 हाफ mu2 इसका तो 0 टक्कर के पहले बराबर टक्कर के बाद,
टक्कर के पहले का काइनेटिक एनर्जी बराबर टक्कर के बाद का काइनेटिक एनर्जी बराबर। मतलब यू वन स्क्वायर बराबर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। सब काम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब लगा दिए। मेन मुद्दा है कि हमको सॉल्व करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। हम कोशिश करते हैं कि यू वन का मान ही रखते हैं, वी वन कॉस अल्फा प्लस वी टू कॉस बीटा का होल स्क्वायर बराबर वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। लेकिन हमको अल्फा बीटा चाहिए, वी वन वी टू नहीं। तो एक काम क्या कर रहे हैं कि यहां से वी वन का मान निकाल के वी टू के रूप में, या तो वी टू का मान निकाल के वी वन के रूप में, तो वी वन वी टू का कहानी खत्म हो जाएगी। यहां से देखिए, ये वी वन का मान रख देते हैं वी टू साइन बीटा बटे साइन अल्फा। वी वन का मान वी टू साइन बीटा बटा साइन अल्फा, ये वी वन का मान रखा है वी टू साइन बीटा बटे साइन अल्फा एवं कॉस अल्फा। प्लस वी टू कॉस बीटा का होल स्क्वायर, यहां भी वी वन का मान रख देते हैं वी टू साइन बीटा बटा साइन अल्फा, लेकिन सबका स्क्वायर और प्लस वी टू स्क्वायर। तो वी टू यहां से कॉमन, वी टू यहां से कॉमन, तो वी टू स्क्वायर कॉमन और ई वी टू स्क्वायर, ई वी टू स्क्वायर कैंसिल। तो अब बचा यहां साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी तो टू साइन बीटा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा आई वो कॉस बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर साइन स्क्वायर बीटा बटे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वन। एलसीएम इधर साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां से साइन अल्फा, तो वो साइन अल्फा बचा, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से दिमाग लगाइए, तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अभी दोनों से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये दोनों से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन बराबर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहां से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन बराबर साइन स्क्वायर बीटा।
माइनस में कॉस स्क्वायर बिट्टा माइनस हुआ बराबर माइनस साइन स्क्वायर बिट्टा बराबर माइनस टू साइन अल्फा साइन बिट्टा कॉस अल्फा कॉस बिट्टा ई माइनस और ई माइनस खत्म। और एक को यहां से साइन अल्फा साइन बिट्टा, एक को यहां से साइन अल्फा साइन बिट्टा और एक वहां से साइन अल्फा साइन बिट्टा खत्म। यहां से बचेगा एक साइन अल्फा साइन बिट्टा, यहां से बचेगा साइन अल्फा साइन बिट्टा, तो टू साइन अल्फा साइन बिट्टा और बराबर होगा उधर टू कॉस अल्फा कॉस बिट्टा। साइन अल्फा साइन बिट्टा एगो, साइन अल्फा साइन बिट्टा एगो और साइन अल्फा साइन बिट्टा एगो कैंसिल। बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा है बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा बराबर टू साइन अल्फा साइन बीटा और फिर टू कॉमन तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू जीरो तो कॉस ए गुना कॉस बी माइनस साइन ए गुना साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस साइन ए गुना साइन बी बराबर जीरो, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस पाई बाई टू बराबर पाई बाई टू। ये प्रूफ करना था कि अगर दो सेम मास का बॉडी हो, अगला बॉडी रेस्ट में हो, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक हो और कोलिजन ऑब्लिक हो, तो टक्कर के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाकर चलना शुरू करें। प्रूफ किया। चलिए लास्ट सवाल में आइए 64। करे स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी वी, ए स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी वी कोलाइड इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन विथ ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास। अच्छा, इस बॉडी का मास m, इसका भी मास m, इक्वल मास एंड ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, स्फेरिकल बॉडी है, इसका भी मास m, इसका भी मास है, इलास्टिक कोलिजन। इनिशियली कैप्ट एट रेस्ट और रेस्ट में है, रेस्ट में है यार अभी वेलोसिटी से। द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस रो, सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड ए डिस्टेंस रो away from the direction of motion of the particle. The center of this spherical body is located a distance rho away from the direction of motion of the particle. Find the final velocity of the two particle. तरह कि यहाँ से rho जो है center से कितना दूरी पर है? rho दूरी पर, इसके center के सामने से एक पार्टिकल जा रहा है वेलोसिटी से। द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी इज लोकेटेड ए डिस्टेंस रो अवे फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल। कह रहा है कि बाद में बताइए कि दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल, इसका और इसका दोनों का वेलोसिटी बताना है।
ये रखा हुआ होगा कहीं, तो ये जा रहा है वेलोसिटी, चलो यहां गया वेलोसिटी से टकराया, लेकिन ये तो लाइन ऑफ मोशन है ना, लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं है। लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, तो किसी भी स्फीयर का परपेंडिकुलर उसके रेडियस के लॉन्ग होता है। तो अगर ये वेलोसिटी भी है और कौन अगर हम थीटा मान लें, तो इस भी का दो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, एक भी कॉस थीटा और एक भी साइन थीटा। कहने का मतलब ये पार्टिकल भी वेलोसिटी से इससे नहीं टकराया, ई टकराया इससे भी कॉस थीटा से, ई टकराया इससे भी कॉस थीटा से, भी से नहीं, ये तो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ इंपैक्ट तो ये है ना सरफेस के। देखिए ये वाला वेलोसिटी टक्कर में भाग नहीं लिया, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक भी कॉस थीटा और एक भी साइन थीटा, तो ये है मेन वेलोसिटी भी कॉस थीटा, मतलब ई टकराया इससे भी कॉस थीटा से। ये बात समझो पहले, छो ई जो है पार्टिकल ई वाला जो बड़ा वाला बड्डी उससे टकराया कितना से, बोले भी कॉस थीटा से। कोलिजन कैसा है, बोले इलास्टिक, तो अगर कोलिजन इलास्टिक है दोनों का मास बोले बराबर, अच्छा कोलिजन जब इलास्टिक हो मास जब बराबर हो तो क्या पार्टिकल अपना वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेता है, बोले हाँ। तो अभी इसका वेलोसिटी है भी कॉस थीटा और इसका है जीरो, मतलब इसका ई जो वेलोसिटी है भी कॉस थीटा क्या हो जाएगा जीरो, और इसको मिल जाएगा भी कॉस थीटा, माने बड़ा वाला बॉडी को मिल गया भी कॉस थीटा और छोटा वाला पार्टिकल का ई वाला वेलोसिटी क्या हो गया जीरो। लेकिन जीरो होने से क्या होगा, ई वाला तो बचल है, ये है इसका ई, इसका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है ना, तो ई ने जीरो हुआ टक्कर में भाग ही ले रहा है, ई टक्कर में भाग ले रहा है यह रेस्ट में, क्योंकि मास सेम है तो पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब कर लेगा, तो ई हो जाएगा रेस्ट में, आई मिल जाएगा इसको, तो ई ने रेस्ट में ही तो बचल है बी साइन थीटा, इसका मतलब इसका आंसर बी साइन थीटा, इसका बी कॉस थीटा, तो भी साइन थीटा बराबर। तो निकाल लेते हैं ई दूरी यहां से यहां कितना है, ई रो है यहां से यहां और ई आर है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आर स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बटे आर, हो गया आंसर। ये तो करना था, बहुत आसान था, मेन यहां ध्यान देना है कि ये जो वेलोसिटी से जा रहा है सामने, ये आपका आई जो टक्कर में भाग नहीं ले रहा। आपको हम एक बार बताए थे जब थ्योरी में कैसे प्लेट होता था, ऐसे बॉल आता था भी वेलोसिटी से, तो बताया जाता था कि भी टक्कर में भाग नहीं ले रहा, इस भी का दो कंपोनेंट है, एक ऐसे और एक ऐसे, ई टक्कर में भाग नहीं ले रहा है, टक्कर में भाग ई ले रहा है, ई नहीं, ई भाग ले रहा है टक्कर, परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला। ऐसे भी एक आया था सवाल, किस पर एक बॉल गिराया गया, तो ई वाला भाग नहीं लिया था, इसका दो कंपोनेंट के थे, एक ऐसे और एक ऐसे, आप बोले थे कि ई वाला भाग लेगा टक्कर में, ई वाला नहीं, मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी, तो इसका तो स्फीयर का सरफेस ऐसे हुआ, परपेंडिकुलर कैसे होगा, सेंटर के लॉन्ग, मैंने रेडियस के लॉन्ग सेंटर के तरफ, वो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर किसी स्फीयर का, इधर भी कॉस थीटा इधर भी साइन थीटा, तो ई टक्कर ने भाग लिया, इसका था मैंने भी कॉस थीटा, इसका था जीरो, चूंकि मास बराबर है, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, मास अदला बदली, वेलोसिटी अदला बदली होगी, जीरो है भी कॉस थीटा, धर लिया अभी धर लिया भी कॉस थीटा, इसका हो गया जीरो, लेकिन इसके पास जीरो नहीं हुआ, ये बचा हुआ है ये पहले से भी साइन थीटा, भी साइन थीटा, बस साइन थीटा का मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो, आ गया आंसर। तो चलिए लंबा इंतजार के बाद ही खत्म हुआ 64 तक का पूरा प्रॉब्लम, अगले क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन का चैप्टर सॉल्व करेंगे।